हेलो स्टूडेंट्स, ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पार्ट फोर है। पार्ट थ्री में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा था, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर। उसी के कंटिन्यूशन में ये है हमारे पास इसका अगला पार्ट, और उसमें देखना हमें इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? तो द स्पीसीज विच आर प्रोड्यूस इन वन स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन अनदर, है ना। मतलब वो स्पीसीज जो एक स्टेप पर प्रोड्यूस होती है लेकिन दूसरे के अंदर वो कंज्यूम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स। मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है? तो ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी जो एक स्टेप में होती थी, अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन प्रपोज टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन ए रिएक्शन एंड इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। यदि कोई रिएक्शन हमारे पास एक से अधिक पार्ट में हो रही है तो उसमें जो स्टेप स्लो होगा वो क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, है ना। अब हमें इसको देखना है तो हम कैसे देखेंगे? तो हमने बोला कंसिडर द रिएक्शन Twice H2O2, ठीक है, हमारे पास कन्वर्ट होता है H2O plus O2 में, ठीक है। OH minus मतलब क्या है? ये अल्कलाइन मीडियम है। तो हमने बोला ये जो रिएक्शन, अगर हम इसके लिए रेट कॉन्स्टेंट देखेंगे तो द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी रेट बराबर -D/dt एक्टिव मास ऑफ H2O2 इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ H2O2 और एक्टिव मास ऑफ I नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। ये एविडेंसेस सजेस्टेड दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप एज फॉलोज। ये वाली जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में होती है। कौन कौन से स्टेप है? स्टेप वन है H2O2 प्लस I नेगेटिव, ये स्लो स्टेप है। और क्या मिलता है? H2O प्लस IO। IO हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये H2O2 और IO ये काय में कन्वर्ट होते हैं H2O, I नेगेटिव और O2 में। तो ये क्या है? फास्ट ये स्टेप है। तो हमने क्या बताया था आपको? जो स्टेप स्लो रहता है उससे हम क्या कर सकते हैं? रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप ये वाला स्लो है, तो द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ IO विल बी डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये वाले से हमारे पास क्या होगा? इसका रेट डिटरमाइन होगा। तो ये वाली बात थी इसके लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमने बोला इन सच रिएक्शन द रेट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द रेट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन कंसेंट्रेशन। रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट, इसके ऊपर जीरो और रेट इज इक्वल टू के। इसका एग्जाम्पल क्या है? H2 plus Cl2 gives twice Cl। अगर हम जीरो ऑर्डर को बिल्कुल सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जो एक्टिव मास से इंडिपेंडेंट रहती है उनको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ हम अपने ऑन वर्ड्स में बात करें तो हम कह सकते हैं रिएक्शन विच इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्टिव मास is called zero order reaction, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? zero order reaction कहलाएगी, ठीक है। तो ये बात, अब आगे हम इसको देखेंगे। आगे क्या देखना है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हम एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे। तो हमने देखा कंसीडर अ जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आर गिव्स पी, रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है।
एज इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, हम इसके लिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमें मालूम है रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या आती है, कमी आती है, तो हम देखे लिखा माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ आर और उसके ऊपर पावर लगाई जीरो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, फिर हमने इसको लिखा एक्टिव मास ऑफ डी आर एक्टिव मास ऑफ सॉरी माइनस डी एक्टिव मास ऑफ अपॉन डी टी अब इज इक्वल टू के और ये हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद हम इस डी टी को इस साइड ले गए तो ये क्या हुआ माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर के डी टी, इसका हमने क्या किया इंटीग्रेटेड बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। अब हमने इसको क्या लिखा माइनस डी माइनस इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी है ना, और ये हमें मालूम है इंटीग्रेशन डी एक्स काई के बराबर होता है एक्स के बराबर होता है, तो ये डी आर को इंटीग्रेशन डी आर को मैंने क्या लिख दिया आर, साइन माइनस का था वैसा का वैसा एज इट इज साइन। ठीक है, के डी टी को के कॉन्स्टेंट था बाहर इंटीग्रेशन डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या है टी। ठीक है, तो ये क्या आया माइनस आर के एज इट इज डी टी का टी प्लस सी, सी क्या इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को मैंने नाम क्या दिया इक्वेशन नंबर वन, और अब मैंने इसमें कंडीशन क्या डाली कि t इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो रखा तो क्या है माइनस आर और ये यहाँ पर ये जीरो लिखा था जीरो ऑर्डर के लिए इसलिए यहाँ पर क्या आ गया जीरो आ गया इज इक्वल टू ऐसा का ऐसा t की वैल्यू जीरो रखी प्लस c ये वाला टर्म्स पूरा क्या हो गया के टू जीरो ये खत्म हो गया, C की वैल्यू C बराबर काई के मिला मेरे को माइनस आर और ये नीचे जीरो इसके लिए मिला, यानी ये C की वैल्यू मिल गई। इस C की वैल्यू को मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर वन में और यहाँ पर लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन वन वी गेट क्या लिखा मिला भाई माइनस आर एज इट इज ये रहा के टी ये रहा के टी और C की वैल्यू ये की थी माइनस आर जीरो, ये देखिए मैंने माइनस आर जीरो यहाँ पर लिख दिया। अब क्या किया के टी अपनी जगह रहे ठीक है, ये आर जीरो इस साइड आया तो कायम के आ गया प्लस में आ गया। ठीक है, अब इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ये आर जीरो प्लस में तो ऐसा कैसे ये माइनस में तो ऐसा कैसे इज इक्वल टू के टी, इसको मैंने क्या लिखा टी इज इक्वल टू वन अपॉन के एक्टिव मास ऑफ आर जीरो माइनस आर, ये क्या मिली मेरे को इक्वेशन नंबर थर्ड। और आगे ये मिला के, ये क्या निकाल सकते हैं के बराबर क्या लिख सकते हैं टी यहाँ पर आ जाएगा के की जगह तो के बराबर क्या आ जाएगा वन अपॉन टी आर नॉट माइनस आर और ये, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए मेरे को जो है क्या मिला भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इतना हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन है ना, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जिसमें कोई सब्सटेंस कितने समय में अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा हो जाता है वो क्या कहलाता है हाफ लाइफ कहलाता है। तो इन्होंने बोला हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इट इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू है ना, मतलब अपने ओरिजिनल अमाउंट का क्या हो जाता है वो आधा हो जाता है। अब आगे है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ मतलब आपने क्या बताया अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा हो जाता है व्हेन एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ आर नॉट डिवाइड बाय टू, ये जीरो ऑर्डर के लिए। अब टी क्या है टी की जगह हम क्या ले लेंगे टी हाफ, टी हाफ वो अमाउंट जिसमें अपने ओरिजिनल अमाउंट का क्या होगा आधा होगा। फिर हमने बोला भाई इस वैल्यू को हम रखेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी है ना ये वाली टी वाली टी इज इक्वल टू वन अपॉन के आर जीरो माइनस आर जीरो अपॉन टू। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड है इसलिए हमने क्या ले लिया भाई टी हाफ लिया, इसको सॉल्व किया तो वन अपॉन के इज इक्वल टू टू आर जीरो माइनस आर नॉट अपॉन टू। ठीक है,
इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वन अपॉन के आर जीरो अपॉन टू, और टी हाफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर जीरो अपॉन टू के, एंड टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय के, एक्टिव मास ऑफ आर नॉट के। तो ये यहाँ तक का था हमारे पास क्या, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन या हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है।